लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है हम वेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए। ओके, तो कोई भी कार्टन हो, इसका पहले हम सारा जो प्लास्टिक वाला टुकड़ा है उसको हमें अलग करना है। वी हैव टू सेपरेट ऑल द बिट्स दैट हैव सेलोटेप, और आई विल शो यू इन अ बिट अबाउट कार्टन दैट हैव अ फिल्म ऑफ प्लास्टिक ऑन देम। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल। Now what I usually do is, these will go into eco bricks, which we have covered in another video. Eco bricks essentially are an old water bottle. These go into them. In case the carton that you are catering to, यदि जो packet आप आपके हाथ में है, वो अगर मिठाई या कोई भी खाने का चीज़ का हो, आपको ख्याल करना है कि उसमें कोई खाने का भी टुकड़ा नहीं रहे। Any remains of any food that stays will lead to methane forming inside it. Methane is a gas that can make the bottle explode. Okay, it's the same gas that also is present in human flatulence. Now, once the plastic bits have been removed, you have two options. Okay? In India, kabadi wale jo hai, wo isko khareedte hain. Iska lagbhag 8 se 10 rupees dete hain. वो एक ऑप्शन है कि आप इसको फोल्ड किए, ओके, फोल्ड करके मतलब फ्लैट टाइप, ताकि आपका स्पेस कम लगे, ये एक ऑप्शन है। और यदि आपके पास ऑलरेडी कॉम्पोस्टिंग का व्यवस्था है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू टेयर इट इनटू स्मॉल पीसेस अबाउट दिस बिग। व्हेन यू टेयर इट इनटू स्मॉल पीसेस, देन व्हाट हैपेंस इज द अर्थवर्म्स कैन ब्रेक इट डाउन क्विकली। ओके, सो दैट इज वन। नाउ Now let's say for instance you have a plastic like this, okay, rather a carton like this. This has a thin layer of plastic on it. So this actually is one of the most inconvenient types of packaging, and I feel that packagers should take more responsibility in making sure that their packaging is more environmentally friendly. So here you have no option but to remove this layer. See, there's this thin layer of microplastic. It's a complete nuisance, and this is also what breaks down into small pieces, gets into the soil, and sooner than later it finds its way into your water supply, which means it finds its way into your body. That is what we want to avoid doing. So plastic film has to be removed. After you remove the plastic film, फिर से उसे आप छोटा छोटा टुकड़ों में फाड़ के कॉम्पोस्ट पिट में डाल सकते हैं। वॉट दीज पेपर बिट्स आर ऑल्सो रिच इन इज कार्बन। ओके, जो आप वेट वेस्ट डालते हैं कॉम्पोस्ट पिट में, वो है नाइट्रोजन रिच और ये है कार्बन रिच। सो कार्बन नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। यदि आपको लगे कि आपको इतना मेहनत नहीं करना है या आपके पास कॉम्पोस्टिंग का व्यवस्था नहीं है, तो इसको फ्लैट करें, है ना, इसे फ्लैट करें, फ्लैट करके आप इसको कलेक्ट करते जाए, लेकिन फेंकिए मत और इसको जलाइए एकदम से भी नहीं। ओके, नाउ स्पेशली पैकेजेस दैट यू रिसीव फ्रॉम ई कॉमर्स, आप अमेजोन से कुछ खरीदे या नायका से या फ्लिपकार्ट से, मेक श्योर टू रिमूव द टेप। आई नो आई हैव सेड इट बिफोर, लेकिन फिर से आप ख्याल रखें कि सारा जो सेलो टेप का टुकड़ा है वो निकले। ये जो पेपर है, दिस इज ओके, दिस न्यूज प्रिंट हैज अ लॉट ऑफ कार्बन इन इट, व्हिच इज अगेन गुड फॉर योर कॉम्पोस्ट। Okay. Once you have separated the plastic and the paper, then these, and if there is any food or any kind of material that will tend to rot and give off a bad odor, make sure you wash it. So when washing a plastic, what I do is I first hold it under the tap like this. Okay. Assume it's filled with water. I rinse it and I throw the water out. इतना में खत्म नहीं होता है। इसको फिर मैं उल्टा करता हूँ, उल्टा करके इसको ऐसे घस के आई वॉश इट येट अगेन, सो दैट कुछ भी अगर छोटा सा टुकड़ा रह जाता है वो सारा निकल जाएगा। फिर मैं उसको एक बाहर पोस्ट के ऊपर लगा देता हूँ सूखने के लिए, सूखने के बाद बॉटल के अंदर। ओके, दिस इज इट फॉर प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड सेग्रीगेशन। थैंक यू।